हेलो जी, हेलो हेलो हेलो। मेरे को ये पालक देके भेज दिया गया है बाहर। बोला गया हर बार जब आप बोलते हो कि पालक पनीर बनाएंगे, पालक रेडी रखना, पालक गोश्त बनाएंगे, पालक रेडी रखना, बनाते कुछ नहीं हो, पालक हो जाता है वेस्ट। इस बार 12 बजने वाला है कसम से। ये देखो मैं एक मिनट दिखाता हूँ, हो रहा है ना 11:55। मेरे को जाने नहीं दे रहे, बोल रहे हैं पालक जो पड़ी है उसका बना के जाओ। तो जी नमस्कार, मैं हूँ रणवीर ब्रार, और पालक जो पड़ी है उसका बनने वाला है कैप्शन तो पढ़ ही लिया होगा म्यूजिक के बाद। कॉलिंग एंड एक्शन। सब जागने के जुगाड़ हैं, 12 बजे काम करवा रहे हैं तो मेरे को यही सब भाप लेके जागना पड़ेगा ना। मजाक नहीं कर रहा हूँ, बुढ़े आदमी से इतना काम करवाते हैं लोग। ओके ओके, शुरू करते हैं अभी। कम ऑन, बढ़िया सा बनाते हैं पालक चिकन और मजा ना आए पैसा वापस। ठीक है फिर लगाओ चोर। ओके, पालक चिकन बनाने के लिए आपको चाहिए पालक जो मेरे सर मड़ा गया है जबरदस्ती, और चिकन जो कि ड्रमस्टिक्स पड़े हुए थे। ठीक है, ये रेसिपी जो है, ये रेसिपी है टिपिकल शादियों वाली, मतलब हम केटरिंग करते थे बॉस्टन में, है तो जी वो रेसिपी है जो एकदम पालक चिकन, मतलब सारे पालक चिकन को फेल कर देगी। ठीक है, सबसे पहले हमने डालना है जी शक्कर पानी में, इसको बताना नहीं है, थोड़ी सी शक्कर, उसके बाद नमक, और बगल में तुरंत के तुरंत ठंडा पानी रेडी कर लो। अभी गर्म पानी में क्या डाला याद है ना, ये वो और वो। ठीक है, अच्छा वो रह गया अभी थोड़ा, बेकिंग सोडा, मतलब नमक शक्कर और बेकिंग सोडा इज इक्वल टू ये वो और वो। ठीक है, अगर रंग चाहिए ना पालक का तो ये वो और वो, ये जाएगी पानी में। ठीक है, और सिर्फ पालक का पेस्ट नहीं बनाना, पालक के साथ में डालना है धनिया। देखो नॉनवेज अगर बना रहे हो ना, ऐसे अगर आप पालक पनीर बना रहे हो तो धनिया डालो नहीं डालो कोई फर्क नहीं पड़ता, थोड़ी मेथी भी डाल सकते हो, लेकिन अगर आप चिकन बना रहे हो तो आपको धनिया डालना ही डालना है। पालक को थोड़ी देर गर्म पानी में डालना है, उसके बाद निकाल के तुरंत डाल देना एकदम खौलते पानी में। नहीं मैं तो देख रहा हूँ ना कि आप तो नहीं सो गए, मेरे रात के 12 बज रहे हैं, पर जब आप वीडियो देख रहे हैं तो दिन ही होगा, आई होप सो। वैसे तो हम ये चाहते हैं कि दिन रात देखें आप हमारे वीडियोस। ये वाला पार्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जितना जल्दी आप उसको शॉक करेंगे, झटका देंगे, उतना आपके लिए अच्छा है। वो इसलिए कि उतना जो है कलर मेंटेन होगा, कलर तो ठीक है, न्यूट्रिशन भी मेंटेन होगा। ठीक है, तो कल्चर शॉक देना बहुत जरूरी है पालक को, मतलब शॉक देना। अब इसको जी बनाना है पेस्ट। आप ये समझ लो कि अगर आप पालक विद डंडी ले रहे हो तो डंडी डूंडी हटा हटू के जब आप ब्लांच करोगे तो 4 किलो का 1.25 किलो, 1.5 2 किलो रह जाएगा बस। चलो जी, अब इसका पेस्ट बनाना है मिनिमम पानी डाल के। ठीक है, कम से कम पानी या फिर थोड़ा थोड़ा तेल ऐड कर लीजिए, ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। ठीक है, वरना मतलब आप बनाने जाएंगे पालक का पेस्ट, बन जाएगी पालक की लस्सी, और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं, रणवीर ने बताया था लस्सी नहीं बनानी, पेस्ट बनाना है। ठीक है, मिक्सी में, हमाम दस्ते में, या वो मतलब सिलवट्टे पे, जिसमें मर्जी बना लीजिए, मैं मिक्सी में बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, अभी आता हूँ। रंग देखो आप, है ना मजा ना आए पैसा वापस। इतना पालक का पेस्ट एक मीडियम साइज चिकन के लिए बहुत, उससे ज़्यादा अगर आप बड़ा चिकन यूज़ करेंगे तो मतलब बन जाएगा लेकिन फिर वो वैसा स्वाद नहीं आएगा। ठीक है, अब ये पालक के पेस्ट को रखो साइड और गाड़ी को बढ़ाओ आगे, उठाओ प्याज और प्याज को काटो ब्रीक ब्रीक। सो प्याज अगेन, इट्स वेरी 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 इम्पॉर्टेंट। आप पालक अगर उसकी तासीर समझें, उसका स्वभाव समझें, उसका नेचर समझें, तो पालक में एक नेचुरल कड़वाहट होती है
जो कि उसकी खूबी भी है, जो आप अवॉइड नहीं कर सकते, राइट। लेकिन उस नेचुरल कड़वाहट को एज अ शेफ बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए एक तो आपने हल्की सी शक्कर दिखा दी उसको उबालते टाइम, दूसरा आप प्याज की मिठास का इस्तेमाल करेंगे, तीसरा आप खटास का इस्तेमाल करेंगे। कड़वाहट को न्यूट्रलाइज करने के लिए खटास का इस्तेमाल भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब ठीक है, देखो जी, अगर आप यहाँ पे साग मीट बना रहे होते ना तो बहुत मतलब डिफरेंट प्रोसेस था, बिकॉज अगर आप साग मीट बनाते तो आप ग्रेवी प्याज व्याज ये सब मीट के साथ पकाते, लेकिन आप बना रहे हैं साग चिकन, ठीक है। इसलिए आपकी ग्रेवी 70% कुक होगी, उसके बाद चिकन उसके अंदर जाएगा, दैट्स अ बिग डिफरेंस, ठीक है। और वो क्यों? क्योंकि चिकन जो है वो जल्दी पकता है ना, मीट को लगेगा घंटा, चिकन पक जाएगा 20 मिनट में, आप ग्रेवी पकने का इंतजार करते रह जाओगे। और आपको अगर रणवीर आपने बताया था, रणवीर ने बताया था, ठीक है। दूसरी तरफ चिकन को कर देते हैं मैरिनेट। चिकन के मैरिनेशन में सिर्फ नमक डालूंगा, थोड़ी सी कसूरी मेथी डालूंगा और देगी मिर्च डालूंगा, थोड़ा सा नींबू का जूस अगर डालना चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं डालना चाहें तो नहीं भी डाल सकते हैं। ये लो जी, ये है अब मामला गंभीर एकदम। देखो ये जो करे माँ ना प्यो, करे देसी क्यों। थोड़ा तेल मिक्स कर रहा हूँ मैं, थोड़ा सा, ताकि जले ना घी। जीरा, जावित्री, इलायची, 2-4 दाने काली मिर्च के, 3-4 लौंग और प्याज। वेरी नाइस, ब्यूटीफुल हो गया। दूसरी तरफ ये दही, बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी, मिर्च, धनिया पाउडर और बिल्कुल नाम भर का जीरा पाउडर, इतना जिंजर गार्लिक पेस्ट है। अब देखिए, नॉर्मली मैं आपको बोलता हूँ यार जीरा पाउडर वाउडर मत डालो, रंग खराब होता है, लेकिन पालक का कॉम्बिनेशन जीरे के साथ, जायफल के साथ, कसूरी मेथी के साथ, हल्की सी शक्कर के साथ, काली मिर्च के साथ बहुत तगड़ा है, हाँ। तो इसलिए वो सारे एलिमेंट्स हम थोड़े थोड़े डालेंगे। कुकिंग जो है ना, ये सारे इट्स जस्ट बेसिकली कीपिंग एन आई आउट फॉर कॉम्बिनेशन, राइट, कि हाँ ये उसके साथ जाता है, इसको इसके साथ जोड़ते हैं। जब कॉम्बिनेशन आप समझ जाते हैं, चाहे दूसरी डिशेज से ही क्यों ना उठाएं, बट जो चीज़ जिसके साथ जाती है वो जाती है, एक डिश में, 10 डिश में, डजंट रियली मैटर। और जब आप उन कॉम्बिनेशन को अप्लाई करने लगते हैं, तब यू लर्न एंड बिकम अ बेटर शेफ। बस ये प्याज को ज़रा ध्यान से देखिए, ये प्याज को हमने इतना ही ब्राउन करना है, इससे ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। बस ये नटी ब्राउन बोलते हैं ना जिसको, एक बार नटी ब्राउन हो गया, फिर टमाटर, कसूरी मेथी, कसूरी मेथी श्रद्धा अनुसार, है कि नहीं। मतलब अगर आपको हल्की सी कड़वाहट अच्छी लगती है, मुझे बड़ी अच्छी लगती है, क्योंकि कड़वाहट के साथ में नटीनेस फ्री है ना, और नटीनेस के पैसे हैं कसूरी मेथी के। तो अगर आपको वो नटीनेस और स्लाइट एस्ट्रिंजेंसी या बिटरनेस अच्छी लगती है, तो प्लीज़ पुट अ लॉट ऑफ कसूरी मेथी। दही डालने का वक्त हो गया जी, आ जाओ आ जाओ। दही डालते ही देखिए सारी रंगत बदल गई, हाँ क्यों? क्योंकि दही में मसाले हैं ना, देगी मिर्च भी है। ये जब घी छूटने लग जाए ना, इसका मतलब है अब डालने का वक्त है चिकन। अब होगी चिकन की भुनाई, क्योंकि थोड़ा पालक के साथ भी पकना चाहिए ना चिकन, पालक तो अभी भुना ही नहीं है। यहाँ पर सिर्फ इतना भूनना है कि चिकन जो है वो सियर हो जाए, मतलब बाहर से सफ़ेद हो जाए, बस दैट्स अबाउट इट। अब ये मत पूछना आपके रणवीर वो क्या नमक कब डालोगे, चिकन में नमक था राइट, पेस्ट में नमक है, जब ये सब हो जाएगा उसके बाद फिर बाकी नमक की बात होगी। इसे कहते हैं ब्यूटीफुल। देखिए द ट्रिक टू एनी नॉन वेज डिश ना इज टू
कुक इट टुगेदर, मतलब मीट और मसाला साथ में चरम सीमा पे पहुंचना चाहिए, साथ में पकना चाहिए, दैट्स अबाउट इट. सो व्हाट आर वी लुकिंग फॉर? वी आर लुकिंग फॉर कि भाई वो जो पालक है उसकी रफनेस जानी चाहिए. एक वो खराश होती है, रॉनेस होती है पालक की, बिटरनेस होती है, वो जानी चाहिए. वो जाएगी कैसे? जब दही प्याज मसालों का मिलन होगा, है, और धीरे धीरे वो साथ में पकेंगे और उसमें घी जो है बड़ा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है. ठीक है, अब जब आपको लगता है कि वो रॉनेस चली गई है तब आप पानी ऐड करेंगे. पानी ऐड करने के बाद फिर आप उसको घी छूटने तक दोबारा पकाएंगे, तब आप कॉन्फिडेंट हो सकते हैं कि आपका पालक चिकन पक गया है. रिमेंबर द ग्रेवी एंड द मीट हैज टू कुक टुगेदर, बस वही इस डिश की मोनोपोली है. गैस करो स्लो, भगवान का नाम लो और ढक्कन लगाओ 3 मिनट के लिए बस, उसके बाद ऊपर का तड़का एंड डन. परोठे परोठे रेडी कर लेना. देखो जी, सारा घी ऊपर आ गया ना, मतलब मामला जो है वो रेडी है. ब्यूटिफुल. ये जमी चांद से बेहतर नजर आती है हमें, याद उसकी कभी दस्तक कभी सरगोशी से. जिंदगी जब भी पालक चिकन खिलाती हमें, ये जमीन चांद से बेहतर. रात के कितने पहर रोज जगाती है हमें, जिंदगी जब भी पालक चिकन खिलाती है हमें. रात का 1 बज रहा है, वैसे बता रहा हूं दिन का 1 नहीं बज रहा. ये देखो जी, दिल तो हो गया गार्डन गार्डन, ठीक है, और इसके बाद भी अगर आप बोल रहे हैं ना रणवीर मजा नहीं आया, फिर हमारी कट्टी हो जाएगी. और अगर आपने अब भी सब्सक्राइब नहीं किया फिर तो सुपर कट्टी. थैंक यू वेरी मच, आई होप यू लाइक्ड इट. मेरी बेशर्मियों के लिए, मेरे रात के 1 बजे वाले पागलपन के लिए माफी चाहता हूँ. जुड़े रहने के लिए शुक्रिया. थैंक यू वेरी मच, लॉट्स ऑफ लव. बनाएगा जरूर, खा के दिखाऊं चिढ़ा के? ये तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये चिढ़ाने वाला प्रोग्राम. ओहो.